दवाइयाँ दी ना सारी। हाँ भैया। बहुत काफी। आबा, आबा। रजा ये कंबल कुछ लेके आओ। हाँ। आबा, कंबल? मैं आभा की मदद कर देती हूँ। चलो माँ, जिद मत करो ना माँ। पहले तबीयत इतनी खराब होगी, ऐसा चलता रहा तो और भी खराब हो जाएगी माँ। लेकिन उससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा भैया? क्योंकि इस घर में माँ से ज्यादा अहमियत तो किसी और को मिलती है। माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई और किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और बताएंगे भी क्यों? वैसे भी अगर आभा की तबीयत खराब होती तो अब तक तो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिट चुका होता। वो तो प्रियंका भाभी ने मुझे बताना जरूरी समझा कि माँ की हालत खराब है, नहीं तो आप लोग तो बस। कनिका, जिस तरह से तुम माँ से बात कर रही हो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। प्लीज हाँ, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, लेकिन आभा, प्रकाश और उनके पूरे खानदान ने जो मेरे साथ किया उसके लिए आप अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही है माँ? कनिका, जब तक तुम्हारी जिंदगी सुधर नहीं जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। एक मिनट। कनिका, इसे कह दो कि ये सब नौटंकी ना करें। इसे कह दो मेरे सामने से चली जाए। आभा, ये क्या तरीका है आभा? जब मम्मी जी नहीं चाहती तो क्यों बेकार की तकलीफ? आभा, आभा, क्या हो गया इसे? क्या क्या हो गया इसे? करण, कितने बदतमीजी से बात कर रही है। इतनी मुश्किल से मैंने मम्मी जी को मनाया है, वापस अनशन पर चली गई। तो माँ बहुत बीमार है, इनसे पैसे माँ ठीक नहीं होगा। कहीं इन्हें और चिंता हो गई तो? पर अब खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? कुछ तो करना होगा, कहीं से इंतजाम करना होगा। चेहरा नहीं देखना तो कौन ही देखो, मारी भला से। करने के है? अरे क्यों रो रही है? चुप चुप चुप, दिमाग मत घुमो। अरे रो रो के पूरे घर बुलाएगी क्या? ले तारी पण चाकरी करूं, दूध लेकर आती हूँ। रुक, हमने
टेंशन मत लीजिए बॉस, अब तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। आभा, मैंने कहा है ये पैसे कनिका को दे दें, पता नहीं वो अपना खर्चा कैसे चला रही होगी। भैया पापा से कहिए इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं कनिका को दे दूँ। मैं सिर्फ उसकी बदतमीजी की वजह से उससे नाराज हूँ। हाँ लेकिन उसके तीन तीन भाई, उसे किसी बात की कमी भी तो नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैं दे दूँ। बस क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी कहाँ गई आपकी? आभा, हाँ बस देखो पापा आ गए ना। पापा आ गए, मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी शायद आपके लिए दूध लेने गई होगी। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, बस 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 देखो रोते नहीं हो। बस बस पापा आ गए। आभा, नाराज थी जिस तरह का व्यवहार तुमने किया आज माँ के साथ। मैंने सोचा तुमसे बात करूं और जेठानी होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हें डांट दूं, लेकिन ये तुम्हारी हरकत देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मुझे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है, ये अचानक क्या है मलाई, क्या सूझा क्या? वो इतनी मोटी मलाई देखी तो रहा नहीं गया। प्रियंका भाभी क्या कहा? प्रियंका भाभी प्लीज आभा, मुझे प्रियंका भाभी कहकर बेइज्जत मत करो। तुम ठीक हो ना? अबा, रो रही मम्मी, देखो क्या कर रही है तुम, पावनी ऊपर रो रही है और तुम। करण, अब अपनी बीवी को तुम ही संभालो, इनका कुछ नई नई चीजें खाने का दिल कर रहा है। कोई खुशखबरी है क्या? वैसे करण मजाक एक तरफ है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जब से आभा वापस आई है बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है? देखो एक बार हमें आभा का चेकअप करवा लेना चाहिए। तुम्हें याद है ठाकुर साहब ने कहा था कि उसके सर पे चोट लगी है? एक बार तसल्ली करने में क्या हर्ज कर। आप अभी आप सही तो कह रही है, लेकिन हो सकता है ठाकुर साहब जो कह रहे थे वो सही हो। इतने बड़े हादसे के बाद इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो गई है कि हर बात को लेके कंफ्यूज रहती है, इसलिए तो घर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पा रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन और हमारे बीच रहेगी, यू नो, प्यार सिक्योरिटी महसूस करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख। ये देखो, मम्मी को बोलो, मम्मी आप तो यहाँ पे रबड़ी खा रहे हो और ऊपर हम वेट कर रहे थे आपका। बोलो जल्दी आए आपका दूध लेके। जाओ, मैं दूध लेकर आती। देखो बिट्टे की छोकरी की सेवा करो। अरे दी, अरे ये क्या?
कुत्ते की झोपड़ी सारा गंदा कर दिया। आप अपने इंटीरियर डिजाइनर को भेज दीजिए, मेरी वाइफ उनको समझा देगी क्या करना। राजे, बेटा तुम घर का इंटीरियर बदलवा रहे हो? हाँ दाईजा, मैं आपको बताने ही वाला था। क्या है, आपकी बहू इस घर को अपने पसंद से सजाना चाहती है। लेकिन बेटा सब सब सही तो है, मुझे तो ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। अब लेकिन कोई बात नहीं, बहू का अगर मन है तो उसे करवा लेने दो, मगर उसे सही रहन सहन का अंदाज नहीं पता है तो वो कैसे। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। आपके लिए दूध। थैंक यू। लता जी, आप जो भी चेंजेस करेंगे इंटीरियर, एक बार दाईजा से कंसल्ट कर लेना प्लीज। बेटा जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी कि कहां क्या लगवाना है। जी दाई मां, बस आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ही तो चाहते हैं हम, ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम भी आपको घर की सबसे बड़ी सदस्य मानते हैं। पर दाई मां, आपके ऊपर पहले से इस घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आपकी बहू होने के नाते हम आपका थोड़ा सा बोझ हल्का करना चाहते हैं, जो कि आपका हक है। हमें खुशी है इस बात की। अच्छा, अब आप दोनों आराम कीजिए। आदमी अपने काबू में नहीं रहता, नहीं ये गलत है। कारक है ही, आपके अपनों के लिए भी बहुत बुरी है।
रोज पीने वालों में से नहीं हूं। कभी कभी टेंशन में या मूड होने पर पी लेता हूं। धीरे धीरे चूड़ियां गुनगुना के क्या कहीं सजना, ये चूड़ियां गुनगुना के क्या कहीं सजना। रात की रात जगाऊं मुझे हक है, सोने का टाइम है कि देखो मम्मी भी आ गई, मम्मी अभी आपको दूध पिलाएगी और सुलाएगी। ओए ओए रोते नहीं, चलो चलो चलो। कमरे में बीड़ी की स्मेल आ रही थी, ओ देखो ये बीड़ी भी मिली। नौकर नौकर वॉकर की होगी, पिएगा तो बताएगा थोड़ी ना। कैश कहाँ पड़ी है? कन्हैया को कुछ पैसे देने, पता नहीं बिचारी तलाक के बाद अपना खर्चा। जरूरत है शादी तो करवा दी ना, तो बस छोड़ो पीछा, कब तक लड़की का खर्चा उठाएंगे। अरे पी, गंदा कर दिया, कौन साफ करेगा तेरी माँ? क्या कर रही हो तुम? तुम जानती हो पावनी एक साथ इतना दूध नहीं पीती, उसको थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना पड़ता है। क्या करूँ, नींद आ रही है मुझे। तू बिट्टी की छोकरी ने दिमाग घुमा दिया। ओ कोई नहीं, पापा आपको सुला देंगे। ओके गुलाब को नहीं पसंद, काटे होते हैं, सर दुख रहा है। अच्छा 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 ठीक ठीक, सर दुख रहा है तो सर दबा देता हूँ। तो